प्यारे बच्चों, क्लास 12th विषय अर्थशास्त्र, आर्ट, साइंस, कॉमर्स तीनों बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो नंबर कहीं नहीं जाएगा। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले और अर्थशास्त्र के बच्चों को यह वीडियो जरूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के जनक कौन है, इनकी किताब का क्या नाम है। तो अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ है। 1776 ईस्वी में अर्थशास्त्र पर एक प्रामाणिक पुस्तक लिखी जिसका नाम एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, मतलब इसका हिंदी है राष्ट्रों की संपत्ति और साधनों की खोज था। एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र संपत्ति का विज्ञान है। इसको शॉर्ट में किताब को हम लोग वेल्थ ऑफ नेशन भी कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मार्शल के दृष्टिकोण में अर्थशास्त्र क्या है, इसकी परिभाषा का केंद्र बिंदु क्या था। तो मार्शल ने सन 1890 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र की परिभाषा इस प्रकार दी है, अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय में मानव के कार्यों का अध्ययन है। यह मनुष्य के उन व्यक्तिगत एवं सामाजिक कार्यों की जाँच करता है जिनका कल्याण के भौतिक साधनों की प्राप्ति तथा उपभोग से घनिष्ठ संबंध है। इस प्रकार मार्शल की परिभाषा का केंद्र बिंदु भौतिक कल्याण है जिसके लिए आर्थिक क्रिया करनी पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, उपयोगिता की परिभाषा दीजिए। तो किसी वस्तु में आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति को उपयोगिता कहते हैं। व्यष्टिपरक अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं। व्यष्टिपरक अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक संबंधों अथवा आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे एक उपभोक्ता एक फर्म। अगला क्वेश्चन है, एकाधिकार से आप क्या समझते हैं। तो अंग्रेजी के मोनोपोली शब्द का अर्थ एक विक्रेता से होता है। अंग्रेजी के मोनो का अर्थ है एक और पोली का अर्थ है विक्रेता। अतएव एकाधिकार बाजार की वह स्थिति है जिसमें किसी वस्तु या सेवा का केवल एक ही उत्पादक होता है तथा उस वस्तु का कोई निकटतम प्रतिस्थापन नहीं होता है। मतलब वो जो वस्तु बेचेगा कोई दूसरा कोई उसके जैसा नहीं बेच सकता है। अगला है, सीमांत उपयोगिता क्या है। तो किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग बढ़ाने पर कुल उपयोगिता में जितनी वृद्धि होती है उसे वस्तु की सीमांत उपयोगिता कहते हैं। सीमांत उपयोगिता का फॉर्मूला है MU बराबर TUN, यहाँ पर माइनस होगा TUN - TUN-1, या फिर आप लिख सकते हैं डेल्टा TU बट्टा डेल्टा क्यू MU बराबर। ये भी एक फार्मूला है और ये भी फार्मूला, दोनों फार्मूला है। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु की पूर्ति लोच 0.8 है, यहाँ पूर्ति लोचदार है या बेलोचदार। तो यहाँ पर जो पूर्ति हो जाएगा वो आपका बेलोचदार होगा। आपको ये वाला याद रखना है, ये यदि पूर्ति की लोच इकाई के बराबर होती है तो पूर्ति लोचदार होगी, यदि एक से कम होगी तो बेलोचदार होगी, और एक से अधिक होने पर पूर्ति की लोच इकाई के समान होगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक से अधिक होने पर लोचदार होगी और यहाँ पर हो जाएगा ES = 1, यहाँ पर पूर्ति क्या होगा इकाई के समान हो जाएगी। यहाँ पर ये चीज़ को इसमें लिखना था और ये चीज़ को इसमें लिखना था, सो थोड़ा गड़बड़ हुआ, लेकिन ये आपका सही है कि अगर एक से कम पूर्ति की लोच आ रहा है, मतलब एक से कम 0.8 क्या है, एक से कम है, तो ऐसी स्थिति में पूर्ति क्या होगी बेलोचदार होगी। ये कॉन्सेप्ट को याद रखना है। फिर है, बाजार की परिभाषा दीजिए। बाजार एक ऐसा संयंत्र है जिसके द्वारा संयंत्र कर सकते हैं, या बाजार एक ऐसा स्थान है, यहाँ संयंत्र के जगह क्या हो जाएगा स्थान, एक ऐसा स्थान है जिसके द्वारा क्रेताओं तथा विक्रेताओं को इकट्ठा किया जाता है। इसका स्थान निश्चित होना जरूरी नहीं है। अगला है, औसत स्थिर लागत क्या है या औसत बंधी लागत क्या है। तो औसत स्थिर लागत प्रति इकाई स्थिर लागत है, इसका अनुमान कुल स्थिर लागत को उत्पादन की मात्रा से भाग लेकर लगाया जाता है। तो AFC = TFC/Q, जहाँ पर AFC जो है वो औसत स्थिर लागत है, TFC कुल स्थिर लागत है और Q उत्पादन की मात्रा है। अगला है, परिवर्तनशील साधन से आप क्या समझते हैं। तो जो साधन उत्पादन में वृद्धि के साथ बढ़ती है तथा उत्पादन में कमी के साथ घटती है, परिवर्तनशील साधन कहे जाते हैं, जैसे श्रम और पूंजी। अगला क्वेश्चन है, एकाधिकार बाजार में फर्मों की संख्या कितनी होती है। तो एकाधिकार बाजार में फर्मों की संख्या एक ही होती है। स्थिर साधन से आप क्या समझते हैं। तो जो साधन उत्पादन में वृद्धि या कमी के साथ स्थिर रहे उसे स्थिर साधन कहते हैं, जैसे भूमि, उद्यम।
किस प्रकार के बाजार में वस्तुएं समरूप होती है? तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तुएं समरूप होती है। फिर है, एक वस्तु की कीमत और उसके मांग के बीच किस प्रकार का संबंध होता है? तो विपरीत संबंध होता है। उत्पादन फलन क्या है? तो वाटसन के शब्दों में एक फर्म के भौतिक उत्पादन और उत्पादन के भौतिक कारकों के संबंध को उत्पादन फलन कहा जाता है। कारक मतलब यहाँ साधन हो जाएगा, जैसे भूमि, पूंजी, श्रम, प्रबंध, साहस, ये सब भौतिक कारक हो गए। और भौतिक उत्पादन हो गया कि उन लोगों के सहयोग से जो हम लोग उत्पादन करते हैं, जैसे आलू का उत्पादन किए किससे, तो पूंजी श्रम के सहयोग, अब भूमि पूंजी श्रम के सहयोग से हम आलू का उत्पादन किए, तो भौतिक उत्पादन आलू होगा और भौतिक कारक आपका भूमि श्रम और पूंजी होगा। तो उत्पादन फलन का फॉर्मूला है क्यू एक्स बराबर फंक्शन ऑफ एल के। यहाँ क्यू एक्स जो है एक्स वस्तु का भौतिक उत्पादन है, एल जो है श्रम की भौतिक इकाइयाँ हैं, के पूंजी की भौतिक इकाइयाँ, और एफ फलन को बताता है, मतलब साधन और उत्पादन के संबंध को एफ बताता है। बाजार मूल्य पाया जाता है, तो अति अल्पकाल में जो कीमत बाजार में प्रचलित होती है उसे बाजार मूल्य कहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है, आर्थिक क्रिया को स्पष्ट करें, तो इस क्रिया को आर्थिक क्रिया कहते हैं जिसका संबंध मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए दुर्लभ संसाधनों के उपयोग से होता है। आर्थिक क्रिया में निम्न का होना अति आवश्यक है, उत्पादन, उपभोग, निवेश, विनिमय। किसने कहा है कि मांग का नियम यह बताता है कि अन्य सभी बराबर रहने से कीमत में कमी होने के कारण वस्तु की मांग बढ़ जाती है तथा कीमत में वृद्धि होने के कारण वस्तु की मांग कम हो जाती है? तो ये मार्शल ने कहा था। फिर निम्नलिखित में कौन पूरक वस्तु का उदाहरण है? कोका कोला और पेप्सी, या फिर चाय और कॉफ़ी, या फिर पेन और स्याही, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका पूरक वस्तु बोल रहा है कि मतलब पूरक वस्तु मतलब होता है एक के बिना दूसरा का काम नहीं चलेगा। तो पेन और स्याही क्या हुआ? आपस में पूरक वस्तु हुआ, तो ग आंसर है। फिर है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है? तो संसाधनों के बंटवारे की समस्या, संसाधनों का पूर्ण उपयोग कैसे हो, संसाधनों का विकास कैसे हो, इनमें से सभी। तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या इनमें से सभी है। और यही अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या पूछा जाता तो आपको उसका आंसर होगा क्या, कैसे, किसके लिए, मतलब क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, मतलब किस तकनीक से उत्पादन किया जाए, और किसके लिए उत्पादन किया जाए। ये आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था केंद्रीय समस्या है। फिर अगला है, एकाधिकार की विशेषता है। तो क्या होता है? एक विक्रेता और अधिक क्रेता होते हैं। फिर है, किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता है क्या है? तो उपयोगिता है। बाजार वर्गीकरण का निम्नलिखित में कौन सा आधार है? तो पूर्ण प्रतियोगिता, शून्य प्रतियोगिता मतलब एकाधिकार, अपूर्ण प्रतियोगिता, इनमें से सभी। तो ये तीनों बाजार के रूप है, इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा, मतलब घ। पूर्ति में कमी के निम्नलिखित में कौन से कारण है? तो उत्पादन लागत में वृद्धि, स्थानापन्न वस्तु कीमत में वृद्धि, उद्योग में फर्मों की संख्या में कमी। तो यहाँ पर कमी पूछ रहा है, तो इनमें से सभी कारण कमी के ही है, इसलिए घ आंसर हो गया। फिर मांग फलन को निम्नलिखित में कौन सा समीकरण व्यक्त करता है? तो यहाँ dx बराबर फंक्शन ऑफ px मांग का समीकरण है। औसत परिवर्तनशील लागत परिभाषित किया जा सकता है, तो इसका होगा tvc भागा q बराबर abc हो जाएगा, मतलब औसत परिवर्तनशील लागत। व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में किसका अध्ययन किया जाता है? तो व्यक्ति, जिसमें व्यक्तिगत लगा होगा वो सभी व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया है, तो सब में व्यक्तिगत लगा हुआ है तो इनमें से सभी हो जाएगा। आर्थिक समस्या मूलतः किस तत्व से संबंधित है? तो चुनाव की। एक फर्म का लाभ अधिकतम होता है तो जहां MR बराबर MC होता है, और MC की रेखा MR रेखा को नीचे से ऊपर जाते हुए काटती है। जब दोनों शर्त पूरा होता है तो वहां पर फर्म का लाभ अधिकतम होता है। वह विक्रय जो आर्थिक समस्या दर्शाता है कहलाता है, तो उत्पादन संभावना विक्रय, या उत्पादन संभावना वक्र भी आप बोल सकते हैं। किस बाजार में औसत आय सीमांत आय के बराबर होता है? तो वो है पूर्ण प्रतियोगिता। फिर श्रम की दो इकाई लगाने पर कुल उत्पादन 22 है और एक इकाई लगाने पर 10 है, तो सीमांत उत्पादन कितना होगा? तो आपको क्या करना है, 22 में 10 को घटा देना, तो आपका आ जाएगा 12, तो सीमांत उत्पादन हो जाएगा 12। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और ये जितने क्वेश्चन हैं सारे एग्जाम में कभी ना कभी पूछे हुए हैं, और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट भी करते हैं, तो आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा, कल के एग्जाम के लिए आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए, बाय बाय।